शर्मा ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो झारखंड की राजनीति में खलबली से जुड़ी हुई है। चंपई सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व सीएम भी हैं, उनसे जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। कोलकाता से दिल्ली पहुंचे हैं चंपई सोरेन, दिल्ली पहुंच चुके हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, और जानकारी ऐसी है कि बीजेपी वो ज्वाइन कर सकते हैं चंपई सोरेन। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं अभी जहां हैं वहीं पर हैं, निजी काम के लिए हम दिल्ली आए हैं। लगातार जो नाराजगी की खबरें हैं वो बढ़ रही हैं, चंपई सोरेन हेमंत सोरेन से नाराज हैं, ऐसी खबरें लगातार सोशल मीडिया पर भी अलग अलग टिप्पणी के साथ शेयर की जा रही हैं। चंपई सोरेन क्या दिल्ली वाकई सिर्फ निजी काम से आए हैं या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में झारखंड में इलेक्शंस भी होने हैं, ऐसे में चंपई सोरेन का दिल्ली आना और बीजेपी से नज़दीकी की बात होना ये वाकई झारखंड में परेशानी बढ़ा सकता है हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के लिए। चंपई सोरेन बोल रहे हैं अभी जहां हूं वहीं पर रहूंगा, निजी काम से दिल्ली आया हूं। कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होने की खबरें उनकी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं, हमारा बच्ची रहता है उससे देखने के लिए आया है, इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है, आज भी हम आए हैं। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मनोहर, हालांकि चंपई सोरेन कह रहे हैं निजी काम है इसीलिए दिल्ली आया हूं, अभी जहां पर हूं वहीं पर रहूंगा, लेकिन खबर ऐसी है कि पूर्व सीएम के घर सरायकेला खरसावां जिले के गांव जिलिंग गोड़ा से जेएमएम का झंडा हट गया है। लोग कयास बहुत तेजी से लगा रहे हैं कि यहाँ से दूरी हेमंत सोरेन से और उधर नजदीकी बीजेपी से। देखिए, बिल्कुल, हम लोग कुछ देर पहले ही खबर ब्रीफ किया था और बताया था कि हेमंत सोरेन के जो खासम खास रहे चंपई सोरेन दिल्ली विधायकों के साथ पहुंचने वाले हैं, कोलकाता से रवाना हो चुके हैं और वो अब दिल्ली पहुंच गए हैं। जब दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 वो पहुंचे तो हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम कोई निजी काम से आए हुए हैं और जहाँ हैं वहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप उनके चेहरे की मुस्कान अगर आप देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो साफ तौर से है कि खिचड़ी पक चुकी है, क्योंकि वो कोलकाता से दिल्ली रहने वाले, झारखंड के हैं, झारखंड और वो कोलकाता जाने का क्या मकसद है। जो हमने कुछ देर पहले ब्रेक किया था और बताया भी था अपने दर्शकों को कि कोलकाता में बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई है, बातचीत पक्की हो गई है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं, और सुवेंदी अधिकारी से भी बातचीत हुई। जब उनसे हम लोगों ने पूछा क्या सुवेंदी अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई तो वो बोल रहे हैं कि हम कोलकाता से तो दिल्ली आ गए, उन्होंने उस बात को टाल दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं बात में सच्चाई जरूर है। और आज खबर यह है कि चंपई सोरेन समेत जो दो और विधायक हैं वो बीजेपी के आला नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं और हो सकता है कभी भी वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो 3 दिन दिल्ली में ही है ना मनोहर? देखिए, बिल्कुल, अभी वो दिल्ली में रह करके बातचीत आला नेताओं से करेंगे, लेकिन जो अंदर खाने की खबर है, जो सोर्सेज बतला रहे हैं कि बातचीत उनकी कमोबेश पूरी तरह से पक्की हो चुकी है और कभी भी ये बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका सीधा असर जो झारखंड में विधानसभा चुनाव है, आगामी विधानसभा चुनाव है, उस पे पड़ने वाला है और बीजेपी को इससे फायदा होगा, क्योंकि आदिवासी नेता हैं और इनका करीब अगर आप देखेंगे तो 14 विधानसभाओं पे दबदबा है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो झारखंड में अभी सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी 81 विधानसभा वाली जो ये राज्य है, इस राज्य में अगर आप देखें तो 6 अभी सीटें विधानसभा की खाली है, 74 सीटों में से 2 जो है जेएमएम के पास बहुमत है, इंडिया ब्लॉक के नेता उसमें शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब कुछ महीने के बाद नवंबर दिसंबर में वहां चुनाव होने हैं, अगर वहां पर चंपई सोरेन समेत विधायक आ जाते हैं तो बीजेपी के हाथ मजबूत होंगे और सरकार बनाने की जानकारी ऐसी भी है मनोहर कि चंपई सोरेन अगर बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी को इसका बड़ा फायदा होगा। 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर चंपई सोरेन और जो उनके साथ में आने वाले
बाकी नेता हैं वो 14 सीटों पर खासा प्रभाव रखते हैं, खासी पकड़ रखते हैं और ये पकड़ बीजेपी को फायदा आने वाले चुनावों में दिला देगी। इसके लिए बीजेपी ने भी बहुत सोच समझ कर ये स्ट्रैटेजी तैयार की है। उधर चंपई सोरेन भी अपना मतलब अपना फायदा देखते हुए बीजेपी में आ सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि हेमंत सोरेन, क्या उनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई नाराजगी दूर करने की? देखिए, जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले तो चंपई सोरेन को रिजाइन करना पड़ा सीएम के पद से, तो उसके बाद बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन की नाराजगी बरकरार रही और धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली गई, क्योंकि चंपई सोरेन जब सीएम थे तो कई ऐसे स्कीम की घोषणाएं उन्होंने की थी जो जनता के लिए फायदेमंद हो, लेकिन अब आप देखिए बीजेपी के नेता भी दबी जुबान से इन बातों को झारखंड में कह रहे हैं कि अगर कोई आता है तो हमारा उनका स्वागत है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इशारा किस ओर है। हेमंत सोरेन से दुनिया बढ़ चुकी है, जैसा कि आपने भी बताया, हमारे जो सोर्सेज है वो भी बता रहे हैं कि वहाँ से जो है धनुष का जो झंडा है वो खरसावां से उनके घर से हट चुका है। मतलब इशारा साफ है, संकेत साफ है कि वो जो है कमल को कभी भी जो है तो हाथ में पकड़ सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब इंतजार करना पड़ेगा जी, अब कमल का हाथ थाम लेंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है चंपई सोरेन बहुत सोच समझकर इस कदम को उठाएंगे आने वाले चुनाव में, वो भी अपना फायदा चाहते हैं, बीजेपी अपना फायदा चाहती है, लेकिन सवाल ये कि हेमंत सोरेन की आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस परेशानी से निकलने की। शुक्रिया मनोहर, नजर आप बनाए रखिएगा। अभी तो कह